तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए एक और नई माइनक्राफ्ट की वीडियो तो के साथ। तो गाइज वेलकम बैक गाइज हमारे एक नई माइनक्राफ्ट की वीडियो के साथ। तो थोड़ा सा मैंने जल्दी ही ये वीडियो लाने वाला हूँ गाइज, तो थोड़ा सा आपको आश्चर्य लगने वाला है, कोई बात नहीं है गाइज। तो यहाँ पे मेरे को क्या है कि मैंने पिछली वाली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि मैं एक और फ्लोरिंग कर लूँगा, पर मैंने ये फ्लोरिंग का काम नहीं किया क्योंकि मेरे को अभी घर के ऊपर फ्लोरिंग का इतना कोई ज़रूरी नहीं है। आपको पता ही है कि इतना घर का मेरे को अभी तक ज़रूरत नहीं है। तो मेरे को अभी ज़रूरत है फूड की, तो मेरे को आज के दिन में फूड फार्म बनाना पड़ेगा। तो मैं क्रॉप फार्म एक बनाने वाला हूँ, ऐसा कोई मैं ज़रूरी बड़ा फार्म नहीं बनाने वाला हूँ, थोड़ा सा मतलब छोटा सा अपने लिए फूड का काम हो जाए उतना सा फार्म बनाने वाले गाइस। तो यहाँ पे हमारा काम हो चुका है। तो यहाँ पे आप अभी तक ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काम आप पहले करो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक भी कर देना गाइस। तो आज की वाली वीडियो के अंदर मेरे को थोड़ा सा फार्मिंग के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सोचा है कि अपने घर के पास ही एक फार्म मस्त सा बना देना चाहता हूँ मैं गाइस। तो आपने देखा ही होगा कि यहाँ पे मैंने ये जो मतलब घर के आजू बाजू में ये जो कोबलस्टोन की जो स्टेयर है मैंने उल्टी लगा दी और चारों तरफ की मैंने ख़त्म कर दिया। तो पिछली वाली वीडियो के अंदर मैंने आई थिंक मुझे याद है तो मैंने आगे की तरफ ही लगाया था, तो मैंने इसको पूरा मतलब पूरा घर के चारों तरफ मैंने लगा दिया। यहाँ पे मैंने जो फार्म के लिए एक छोटी सी जगह बना के रखी हुई गई, तो यहाँ पे मैं अपने फार्म बनाने वाला हूँ। यहाँ पे हमारे पास खाने के अंदर कैरेट होता है, पोटैटो होता है और जो मतलब व्हीट होता है जो हमसे उसके ब्रेड बना सकते हैं, तो वो सब चीज़ मैं यहाँ पे उगाने वाला हूँ क्योंकि हमको आगे जाके हमको एनिमल्स की भी ज़रूरत पड़ने है गाइज। आपको पता ही है कि माइनक्राफ्ट के अंदर हमारे पास एनिमल भी बहुत ही महत्व की चीज़ होती है, तो हमको एनिमल भी पालना है तो मतलब हमको क्रॉप तो उगाना ही पड़ेगा, तो हमको खेतीबाड़ी तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी अपनी पेट पूजा के लिए, तो खेतीबाड़ी करनी पड़ती है। तो यहाँ में माइनक्राफ्ट के अंदर हमको हाथ से ही खेतीबाड़ी करनी पड़ती है। तो कोई बात नहीं गाइज, यहाँ पे मेरे को अपने पिछली वाली वीडियो के अंदर देखा होगा कि यहाँ पे मेरे को मतलब मैंने शुगर केन बहुत सारा लगा चुका, तो यहाँ पे क्या है कि हमको नेक्स्ट में आगे जाके हमको मैंने जैसे पिछली वाली वीडियो के अंदर बताया था कि हमको थोड़ा सा जल्दी से काम करना है, तो यहाँ पे मैंने शुगर केन भी लगा दिया और यहाँ पे मैंने बहुत सारा पेड़ को काटा हुआ था। तो यहाँ पे हमारे पास ये बहुत सारी सेपलिंग है और यहाँ पे मैंने बहुत सारा पेड़ उगा के रखा हुआ गाइस। तो यहाँ पे जब भी ये पेड़ उगेगा तो हमको मतलब यहाँ पे मेरे को पेड़ की कमी अब नहीं होने वाली गाइस। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा पेड़ हो चुका है, तो अपने आप उगते रहते, मैं उसको काटता रहता तो अपने काम करता रहता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को इतना काम हमारा हो गया, मैंने ऑफलाइन के अंदर बहुत सारा कुछ काम किया था उसकी वजह से मैं आपको ये अपना टूर थोड़ा सा गांव का दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ को, यहाँ पे हमने यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक अकेला घर है। आपने देखा होगा कि पहली वाली वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे घूमने के लिए आया था, तो यहाँ पे ये वाले घर के पास यहाँ पे मैंने गाइज अपनी एक पर्सनल माइन बनाई गई। तो चलिए जल्दी से चलते हैं नीचे की तरफ को, मैं आपको दिखाने वाला हूँ माइन अपनी। तो आप देख सकते हो गाइज कि यहाँ पूरा नीचे में नंबर मतलब जीरो तक आ चुका हूँ। यहाँ से मैंने नीचे की तरफ माइन नहीं किया क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ पूरा ये पूरा मतलब बहुत टाइम लगा दिए माइन करने में, और यहाँ पे ये उसकी स्टेयर बनाई और सब में स्टेयर लगाई तो यार बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा थक गया था, तो उसकी वजह से मैंने यहाँ से नीचे की तरफ मैंने कुछ माइन नहीं किया और यहाँ पे मैं सीधे की हम ऊपर की तरफ आ चुके गए। तो अब हमको हमारा जो मेन काम जो मैंने आज बताया कि हमको आज बनाना है फार्म, तो हमको फार्म बनाने के लिए हमको थोड़ा सा मतलब सीड की भी ज़रूरत पड़ेगी और पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमको ये हमारा अपना पानी का थोड़ा सा सोर्स का काम हमको यहाँ पे कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी का सोर्स का अपना लिए कुछ बना लेता हूँ। तो यहाँ पे हमको खेतीबाड़ी करने के लिए, तो यहाँ पे हम आपको माइनक्राफ्ट के अंदर आपको पता ही होगा कि कोई भी ब्लॉक के अंदर हम पानी छोड़ते तो 7-8 ब्लॉक तक चलता है। तो यहाँ पे हम 4-4 ब्लॉक की दूरी पर हम एक एक गड्ढा बनाएंगे, तो 4-4 ब्लॉक तक वो पानी फैल जाएगा। तो यहाँ पे हमको आसानी रहेगा कि यहाँ पे हमारा जो भी हम चीज़ उगाएंगे तो वो जल्दी से उग जाएगी गाइस, तो उसको पानी मिलता रहेगा। तो यहाँ पे 4-4 ब्लॉक तक वो फैल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा गड्ढा का मतलब पूरा स्ट्रक्चर एक बना दिया है। तो यहाँ पर पूरा लाइनिंग का भी बनाते, आपको पता ही होगा कि मैंने वैसा नहीं किया, तो एक एक गड्ढा बना के उसके अंदर एक एक ब्लॉक में पानी डाल देंगे तो वो आजू बाजू में फैल जाएगा गाइस। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा मतलब वीड का भी सीड पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे वीड का सीड और पोटैटो मेरे पास था तो वो मैंने ले लिया। और हाँ गाइस, मेरे पास थोड़ा सा आयरन पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे मैंने अपने लिए वाटर बकेट भी बना लिया था गाइस। अरे यार, दरवाज़ा क्यों बंद हो जाता, मैं अभी अंदर हूँ तो
अंदर से बाहर निकलने के लिए तो मेरे को दरवाज़ा खोलना चाहिए, बंद कर देता हूँ तो क्या हो रहा है गाइस, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए गाइस, यहाँ पे मेरे को पानी की ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैं पानी लेने के लिए आ चुका हूँ। और यहाँ पे हमारे विलेजर का है अनलिमिटेड वाटर सोर्स, तो उसका भी हम यूज़ करेंगे यार। और वैसे भी हमारे पास बहुत ही मस्त ओशियन है बाजू में, पर थोड़ा सा दूर पड़ता है तो उतना चलने की थोड़ी सी आलस आ जाती है गाइस। तो कोई बात नहीं गाइस, यार यहाँ पे सी वीप सब घूमने लगे हमारे घर के पास, तो यहाँ पे हमारे घर के अंदर, अरे यार ये हमारे घर के बेड में हमारे साथ देने के लिए छोटा सा बच्चा भी आ चुका है विलेजर का। तो यहाँ पे ये बच्चे के साथ में यहाँ पे आकर सो गया था, और यहाँ पे हमारी हो गई है सुबह, तो यार ये क्यों यहाँ पे नीचे चिपक गया। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हमारा काम हो चुका है और हमको यहाँ पे पानी का काम करना है। तो यहाँ पे ये सीप देख रही है अंदर की तरफ की, यार सीप यहाँ पे सोच रही है कि अरे अंदर नहीं आना है, अंदर नहीं आना है, अभी तुमको अंदर नहीं आना है। सीप को पता चल गया कि हमारे लिए यहाँ पे खाना लगाया जा रहा है, तो सीप अंदर घूमने के लिए जाने वाली, वो सीप सोच रही है कि यहाँ पे खाना लगाया कि मैं सीधा खा लूँगी। कोई बात नहीं है, चलिए गाइस यहाँ पे मेरे को पानी की थोड़ी सी गड़बड़ी, मतलब दौड़ना पड़ेगा दो तीन बार। तो मैंने क्या किया कि वहाँ से दो बार पानी लेकर आया, और यहाँ पे मेरे पास दो वाटर बकेट नहीं है, तो उसकी वजह से मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक थोड़ा चार ब्लॉक का गड्ढा, आपको पता ही है कि माइनक्राफ्ट के अंदर चार ब्लॉक के अंदर गड्ढा करके वहाँ पे दोनों कॉर्नर के ऊपर पानी डालते हैं, तो यहाँ पे अनलिमिटेड वाटर सोर्स हो जाता है। तो वैसा कुछ मैंने कर दिया, और यहाँ पे मैंने या क्रॉप उगाने के लिए मैंने यहाँ पे होई लगाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जो एक तरफ हमको होई, हमारे पास ज़्यादा कुछ सीड इतना ज़्यादा है नहीं, तो थोड़ा सा पोटेटो मेरे पास 22 पड़ा हुआ, और 16 हमारे पास वीट का सीड पड़ा हुआ है, तो वो सब हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा तो उसके अंदर से हमको दो दो सीड मिलेगा। तो उसके बाद हमारा ऐसा धीरे धीरे करके हमका बाद जो फार्म जो हम बनाने वाले हैं, तो वो फार्म थोड़ा सा धीमे धीमे बढ़ता जाएगा गाइस। तो यहाँ पे हमारे खाने की भी दम तकलीफ नहीं होने वाली। यहाँ पे मेरे हाथ में पोटैटो देख के आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड के अंदर हमारे पास पिगी हमारे पीछे दौड़ने में लगा हुआ है, आप देख सकते हो, तो यहाँ पे बाजू में खड़ा हुआ है, देखो देखो देखो, देखो, देखो। उसको पोटैटो खाना है, तो पर मैं ये भाई हमारे पेट का सवाल है, तो मैं आपको पोटैटो अभी नहीं देने वाला गाइस। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं आपको पालने के पालूंगा और आपको पोटैटो भी खिलाऊंगा, कोई बात नहीं। आप अभी मैं आपको नहीं दे सकता यार, कोई बात नहीं है। तो हमारा यहाँ पे फार्म हमारा कंप्लीट हो चुका है, और ये फार्म को बढ़ने में बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये क्रॉप को उगने में आई थिंक माइनक्राफ्ट का एक दिन का टाइम लगता है। और तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी फेंसिस बना लिए गए, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि ऊपर की तरफ मेरे को यहाँ पे फेंसिस लगाना है, तो चारों तरफ मैं यहाँ पे फेंसिस लगा दूंगा, क्योंकि हमने घर के अंदर से एंट्री करी है ऊपर आने के लिए छत के ऊपर, तो यहाँ पे हमारे घर के अंदर से एंट्री है, तो ऊपर का ये जो एरिया है उसको खुला रख के कोई फ़ायदा नहीं। और यहाँ पे हमारे घर है जो यहाँ पे थोड़ा सा पहाड़ के नज़दीक है, तो यहाँ से ऊपर चढ़ के भी कोई भी ज़ॉम्बी अंदर की तरफ यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ आ सकता है, तो हमारा घर किसी भी तरह से खुला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको पूरी प्रोटेक्शन करनी है। आप देख सकते हो विलेजर का बच्चा हमारे घर के अंदर घूम रहा है, तो उसने अपना घर ही बना डाला। यार भाई ये मेरा घर है, तो तू अपना घर समझ कि यहाँ पे आराम से घूम रहा है गैर, तू तेरे को कुछ पढ़ाई बढ़ाई नहीं करनी होती यार, यहाँ पे घूम रहा है आराम से। तो यहाँ पे आपको पता ही कि यार विलेजर कोई पढ़ाई बढ़ाई नहीं करते। तो यहाँ पे मैंने आयरन स्मेल्ट करने के लिए रखा था, तो यहाँ पे 11 हमारा आयरन स्मेल्ट हो चुका है, और मेरे पास थोड़ा सा गोल्ड था तो उसको भी मैंने यहाँ पे स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। और आयरन मैंने स्मेल्ट इसीलिए किया गाइस, क्योंकि हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आपको पता ही होगा पॉकेट एडिशन के अंदर हमको एक चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है, वो है शील्ड गाइस। तो शील्ड जब तक हमारे हाथ में होगी तो हमको बचने में आसानी रहेगी। स्केलेटन यार दूर से तीर मार देता है तो दिमाग ख़राब हो जाता है जब भी हम केव्स के अंदर घूमने जाते हैं, तो शील्ड हमको बहुत काम आती है। और वैसे भी आपको पता ही है कि जावा की तरह हम लेफ्ट हैंड के अंदर हमको टॉर्च पकड़ नहीं सकते, तो हमारे हाथ में शील्ड रहती है तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पे हमने शील्ड बना लिए गाइस, तो शील्ड हमारे बहुत ही प्रोटेक्शन करने वाली है। और वैसे भी मैंने आयरन का आर्मर तो बना लिया है, तो थोड़ा सा तो मैं मजबूत हूँ। और यहाँ पे मेरे को 4 डायमंड पहले ही से मेरे को मिल चुके थे जब मैं गांव में आया था, तो मेरे पास पहले से ही 4 डायमंड बड़े हुए हैं, तो मैंने उस डायमंड का अभी तक यूज़ कुछ किया नहीं है। तो गाइस यहाँ पे जिसको भी मतलब डायमंड मिलते हैं, वो मतलब क्या ही यार, यूट्यूबर जो डायमंड मिलते हैं तो फटाफट से पिकेक्स बना के वो अपना काम कर देते हैं, तो मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं है गाइस। तो यार डायमंड की कितनी कीमत मेरे को। तो चलिए गाइज आज की वाली वीडियो में बस इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। भाई आपने यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक भी कर देना गाइज। और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे को नेक्स्ट वीडियो कौन सी लानी चाहिए, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई रही तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइज मेरे को नेक्स्ट में क्या करना चाहिए, और अपने वर्ल्ड को मतलब ज़बरदस्त बनाने के लिए मेरे को क्या क्या करना चाहिए, और आप बता सकते हो कि मैं कौन सा फार्म बनाऊँ,
क्या करूँ, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। और मेरे को आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके इंस्टाग्राम पे भी मेरे को एक बार फॉलो कर लीजिए। आप मेरे से बात कर सकते हो तो इंस्टाग्राम पे मेरे को DM कर सकते हो, मैं आपको उधर आंसर दूंगा, आपसे बात करूँगा। तो चलिए गाइस, आज की वाली वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट माइंडक्राफ्ट की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।